नमस्कार नेता न्यूज़ में का स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज़ बलिया में 135 के खिलाफ आईएम ने किया असहयोग आंदोलन। डीएम के माध्यम से पीएम को पत्र भेजकर आधुनिक चिकित्सा पद्धति में दूसरी पद्धति को मिलाने की मांग। बलिया केंद्र सरकार आयुर्वेदिक के चिकित्सकों को सर्जरी के अधिकार दिए जाने के खिलाफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के केंद्र आह्वान पर शुक्रवार को बैठक के जिलाधिकारी के प्रतिनिधि प्रशासन अधिकारी के माध्यम से जिले के आईएम चिकित्सकों ने पीएम के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा। इस दौरान आईएम से जुड़े चिकित्सकों ने अपनी मांगों के समर्थन में अपने क्लिनिक और नर्सिंग होम बंद रखे। इस दौरान सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं ही निजी चिकित्सकों के अस्पतालों में चालू रही। मैं डॉक्टर अजीत सिंह हूँ, सेक्रेटरी आईएमए बलिया, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बलिया का मैं सचिव हूँ। क्या मामला है आप डीएम साहब करने पाए? नहीं, ये आईएमए के सेंट्रल कमेटी हेड ऑफिस के आह्वान पे पूरे देश भर में आईएमए के चिकित्सक हैं, वो आज मिक्सोपैथी के विरोध में एक दिन के असहयोग आंदोलन में हैं। हम आज सुबह से कल सुबह 6 बजे तक कोविड और इमरजेंसी सर्विसेज को छोड़ के बाकी चीज़ों से अपने आप को अलग रखे हैं। कल इमरजेंसी सर्विसेज और कोविड ड्यूटीज में लोग लगे हैं, वो अपना सब काम करेंगे। हम गवर्नमेंट के द्वारा लाई गई मिक्सोपैथी जो है ना, एलोपैथिक मेडिसिन की सर्जरी को उठा के आयुर्वेद की मेडिसिन वाले आयुर्वेद के डॉक्टरों को जो करने को परमिशन दिया है गवर्नमेंट ने, या जो उसकी नोटिफिकेशन आई है, हम इसका विरोध कर रहे हैं कि मिक्सोपैथी मत करिए। आयुर्वेद एक इंडिजिनस सिस्टम है, वो बहुत अच्छा करना है, आप उसको अलग से बढ़ाइए, उसको जितना मॉडर्न तरीके से आप आगे बढ़ा सकते हो बढ़ाइए, और मॉडर्न मेडिसिन जैसे बढ़ रही है उसको बढ़ने दीजिए। इसमें से उसमें खिचड़ी करने से हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों पे बड़ा असर पड़ेगा और विश्व में एक खराब संदेश जाएगा। हमारा मेडिकल टूरिज्म इतना बढ़ा हुआ है, लोग जो जानेंगे कि इंडिया में इस तरह के भी डॉक्टर्स हैं जो मॉडर्न मेडिसिन से नहीं पढ़े हैं, वो भी सर्जरी कर रहे हैं, तो इसका मेडिकल टूरिज्म पे भी असर पड़ेगा और जनता के स्वास्थ्य पे भी इसका कुछ ऐसा असर पड़ेगा जो कि अच्छा नहीं रहेगा। गवर्नमेंट को अपना ये निर्णय वापस लेना चाहिए। कुमार सिंह, ये पूरे देश में आज पूरे देश में आईएमए की तरफ से एक आह्वान था कि हम लोग अपना कार्य छोड़ के और विरोध व्यक्त करें, ये जो मिक्सोपैथी आ रही है उसके लिए, तो वही हम लोग कर रहे हैं। वहाँ से हम लोग विरोध करके और यहाँ ज्ञापन देने आए हैं। कहाँ पे? यहाँ जीवन साहब जी। क्या क्या सोचा, क्या सूचना मिला आपको? डीएम साहब को ये ज्ञापन दिया गया है कि जो ये मिलाया जा रहा है, जो डिफरेंट पैथीज हैं, जो डिफरेंट तरीके हैं इलाज करने को, उनको जो आपस में मिलाया जा रहा है, उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज अपने क्षेत्र की खबरें सबसे पहले पाएं।